क्यों इसने अटेंडेंस का लगा? क्योंकि भाई डॉक्टर ने अटेंडेंस की है, क्लास ली है, उसको पता है, उसको सब चीज़ों का पता था कि भाई छुट्टी नहीं थी। रोजाना उसने क्लास ली तो उसको यह पता चल गया कि भाई एक्सरे करवाने, फिर एक्सरे करवाया, दांत निकला है, 4-5 दांत निकला है, हम तो सोच रहे दांत नहीं होगा, 5 दांत आ गए। हम ये 5 दांत ठीक है डॉक्टर को दोस्त करके और कर दे देंगे, खुश हो जाएगा वो भी। तो ये सही है, आप लोग भी यहाँ अपना इलाज करवाएं, बहुत अच्छा है। ये एक्सरे के अंदर 3 दांत यहाँ दिखा रहे, एक इधर एक इधर। अब ये दिखा रहे टोटल दिखा रहे 5 दांत, दिखाओ 5 दांत, दिखाओ 5 दांत, दिखाओ पहले दिखाओ 5 दांत। इधर वाले एक ऊपर जो दिखा रहा है, इस तरफ ऊपर जो दिखा रहे हैं, यहाँ ऊपर का है, यहाँ सारे दांत हैं। वो जो ऊपर से आ रहा है वो क्या करेगा? ऊपर से आके नीचे का निकलेगा तो ऊपर का नीचे आएगा ना? अभी भी नीचे का निकलेगा, ऊपर का नीचे आएगा। तो ये भाई इतना लेट क्यों हो गया? सो रहा था, क्या कर रहा था भाई? जो हमने पहले बात की कि डॉक्टर ने टोपी कराई है, 1800 रुपये लूट लिया हमने, हमारे हमने थोड़ा सा गुर्दा बेचा था, उसको ज़्यादा नहीं, तो पैसों का महंगा है, लेकिन थोड़ा सा बेच के हमने लिया 1800 और हमने ये करवाया। लेकिन ये किसी तरह सिर्फ इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में, पर उस पर ये लगा थी, और बाकी ये अटेंडेंस वो अटेंडेंस वो अटेंडेंस वो अटेंडेंस वो अटेंडेंस। इतने तो हम बच्चे को 1 साल में 12 अटेंडेंस के सर्टिफिकेट देते हैं, पूरे महीने में इसकी अटेंडेंस कम्प्लीट थी, फुल अटेंडेंस खत्म हुई थी लगे। और डॉक्टर ने आते कल 1200 रुपये खींच ली, फिर बताती है भाई आप स्ट्रेट निकलें फटाफट जाकर, ना वहाँ मशीन के सामने खड़े हो जाए खाली, उसमें कोई एक्सरे वैक्सरे नहीं आएगा, सिर्फ एक कागज आ जाएगा उसके अंदर, और आप 1800 रुपये वहाँ दे दें, 3000 रुपये उसने दे दी, और अब पता नहीं और कितने लगवाए। अभी तो हमने रजा को नहीं दिखाया, अभी रजा को अगर दिखा दिए तो वो तो भाई बोलेगी घर के कागजात की दर। इसलिए भाई कृपया करके अहम करें, डॉक्टर आवाम के ऊपर महंगाई कर देती है। पढ़ लेता हूँ इसमें क्या किया, इसमें सर्टिफिकेट ऑफ फुल रजिस्ट्रेशन ऑन द